पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूनाइटेड फोरम ऑफ द बैंक यूनियन के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने इलाहाबाद बैंक सिविल लाइन्स मुरादाबाद के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग की कि उनकी मांगों को तत्काल माना जाए। ज्ञात रहे कि कर्मचारी और अधिकारी 11वें वेतन समझौते को जल्द देने, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक के विलय के विरोध में, एनपीए की वसूली शीघ्र करने के विरोध में काफी समय से संघर्षरत हैं। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि वेतन समझौते को लेकर सरकार से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही है। सरकार बैंकों के प्रॉफिट में न आने की बात कह रही है, जबकि सारे बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं, लेकिन खराब ऋणों के प्रोविजन के कारण बैंकों की बैलेंस शीट में घाटा दिखाया जा रहा है। आईबीए समझौते को केवल संकेत 3 के अधिकारियों तक मानने पर जोर दे रहा है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। समझौता लेके रहेंगे, आवाज दो, एनपी की वसूली शीघ्र करो, एनपी की वसूली शीघ्र करो, जानबूझकर कर्जा वापस न करने वालों को जेल भेजो, विलफुल डिफॉल्टर्स को जेल भेजो, विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट शाया करो, विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट शाया करो, वरना संघर्ष अभी तो यंग लड़ाई है, लड़ेंगे। बैंकों का विलय बंद करने के लिए क्या नाम है आपका? और क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? जो कार्यक्रम आज हमारे बीच में हमारे यूएफयू के द्वारा जो कॉल दी गई है आज स्ट्राइक की 26 दिसंबर के लिए, वो एक सफल हड़ताल का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। सभी आप देखना चाहेंगे, सारे हमारे एम्प्लॉयज यूनियन, ऑफिसर्स यूनियन सब एक साथ मिलकर के यहाँ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जो हमारी डिमांड है, जो हमारी वेतन समझौता है, वो अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर के आक्रोश है। मेन जो आक्रोश है वो हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो हमारे बैंक हैं, उनको मर्ज करने के लिए जो आक्रोश है आप देखा जा रहा है, उस मर्जर के अगेंस्ट हम लोग आज फाइट कर रहे हैं। सारे बैनर के तले आज हम सब सारे मिलकर के ये जन सैलाब उठा है आज यहाँ पर हम सबका, वो सिर्फ इसीलिए बैंकों का मर्जर है वो नहीं किया जाना चाहिए। इससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है भारत सरकार को, सिर्फ हम लोगों का जो शोषण है वही बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा।